तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल IAS Prep पर। मित्रों, यहाँ पर हम जीव विज्ञान के अंतर्गत जो अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं उनके प्रश्नोत्तर डिस्कस कर रहे थे। कुछ और डिटेल में भी हम बातें करते हैं, और ये किसी भी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है जहाँ पर भी विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि साइंस के क्वेश्चन आते हैं। आज उनसे अंतर्गत ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हम कर चुके हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और ये दूसरा पार्ट है, इसको हम करते हैं। और ऐसे धीरे धीरे हम करके, छोटे छोटे वीडियोस हैं, आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। तो आज जो ये प्रश्न हमको डिस्कस करने हैं उसमें वर्ग की में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि जीव वैज्ञानिकों के अनुसार, जीव जो विज्ञानी हैं, जीव जगत में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो कीटों, यानी जिनको इंसेक्ट्स कहते हैं, इंसेक्ट्स की सबसे ज़्यादा संख्या है। और कीट की जहाँ तक बात है, ये आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। किस संघ के अंतर्गत आते हैं? आर्थ्रोपोडा। ये प्रश्न पूछा जाता है। अमीबा एक आर्थ्रोपोड सॉरी प्रोटोजोआ, अमीबा एवं प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जंतु है, यानी एक प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जंतु है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जंतु है। गर्म रुधिर वाले जंतु अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। गर्म रुधिर वालों का मतलब ये नहीं है कि उनका जो शरीर का तापमान है वो ज़्यादा होता है, वो एक सा बनाए रखते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। और स्टार फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेक फिश, रेजर फिश, फ्राई फिश, ये सब मछलियाँ नहीं हैं। सबके आगे फिश लगा हुआ है, लेकिन इनमें से अगर कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए कि ये इसमें से कौन सी मछली है या नहीं है, तो आपको बताना है कि इसमें से कोई भी मछली नहीं है, ठीक है? समुद्री घोड़ा एक प्रकार का क्या है? तो ये बोनी फिश है। समुद्री घोड़ा भी एक प्रकार का फिश है। व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? तो व्हेल स्तनपाई होता है, मैमल्स जिसको बोलते हैं। और विशालतम दांत वाली व्हेल, विशालतम दांत वाली व्हेल, तो ये विशालतम दांत वाली व्हेल जो है वो स्पर्म व्हेल है। इसका नाम क्या है? स्पर्म व्हेल। आगे हम बात करें अंडे देने वाले स्तनपाई जीव, तो ये दो जीवों का नाम यहाँ पर लिखा है, एकेरिना और प्लेटिपस। ये दोनों अंडे देने वाले स्तनपाई हैं। वैसे स्तनपाई क्या होते हैं? बच्चे देते हैं, लेकिन ये दोनों अंडे देते हैं। उड़ने वाला स्तनपाई जीव जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है, तो उड़ने वाला स्तनपाई है चमगादड़, ये पक्षी वर्ग में नहीं आता है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? तो इसको अस्तनी या मैमेलिया में, मैमेलिया में इसको बोलते हैं, बात कर ही चुके हैं। एम्फीबिया बनाता है, जो उभयचर होते हैं, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशु के संदर्भ में ये शब्द होता है। ये जो जंतु में भी रह सकते हैं और स्थल सॉरी जल में भी रह सकते हैं जो जंतु, और स्थल पर भी रह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? तो ये जानने की इच्छा प्रकट करना, ये जो है ये अन्य से, अन्य जो जानवर होते हैं उनसे ये पृथक करता है, अन्य वानरों से पृथक करता है। नीलगाय किस प्रजाति की है और किस कुल में आती है? तो नीलगाय जो होती है वो मृग प्रजाति की है ना? तो मृग प्रजाति की होती है। इसको नाम तो आपका जैसे लिखा हुआ है गाय, लेकिन ये गाय प्रजाति की नहीं होती है। सबसे बड़ा अकशेरुकी, तो ये स्क्विड है। स्क्विड जो है ये सबसे बड़ा अकशेरुकी है। व्हाइट लेन हार्न एक किस्म है कुक्कुट की, जो भी ये आप देखते हैं मुर्गी पालन होता है ना, उसकी एक प्रजाति है ये। टिक और माइट वास्तव में ये क्या होते हैं? तो ये मकड़ी वंश के होते हैं। टिक और माइट जो होते हैं ये मकड़ी वंशी होते हैं। जुगनू क्या है? तो जुगनू एक प्रकार का कीट है। छह पैर वाले जंतु कीट वर्ग में आते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। जितने भी छह पैर वाले हैं वो कीट वर्ग में आते हैं। मकड़ी में जो पाद हैं वो आठ पाए जाते हैं, मकड़ी में आठ पाद पाए जाते हैं, उनके पैर आठ होते हैं। सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समांग हैं? तो ये कशेरुकी प्राणियों की जो लार ग्रंथियां हैं उसके समान ही होती हैं सर्प में विष ग्रंथियां। चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो चट्टान पर जो उगते हैं तो शैल उद्भिद, शैल उद्भिद शैल पर उगने वाले। कीटाहारी पादप, ये घटपर्णी, जैसे मेघालय में पाया जाता है, ये उदाहरण दिया हुआ है कि ये कहाँ पाया जाता है,
मेघालय में गठपर्णी इसका उदाहरण है, कीटाहारी पादों का। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तना या प्रकंद भी कहते हैं तने को, हल्दी उसी से प्राप्त होती है। लीची जो है ये एक बीजी बेरी है और उष्णकटिबंधीय फल है ना। लीची अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कृषि में हमने बात की थी, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। गन्ना, आलू एवं अदरक ये तने या प्रकंद का रूपांतरण है। आलू, गन्ना और अदरक ये याद रखिएगा, प्रश्न खूब पूछे जाते हैं ऐसे। शलजम, गाजर, शकरकंद ये जड़ की श्रेणी में आते हैं, यानी कि इसकी हम क्या खाते हैं, जड़ें खाते हैं। और ऐसे ही चमगादड़, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें कुछ हैं। ये चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनपायी प्राणी है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है ना, और यह एकमात्र ऐसा स्तनपायी है जो उड़ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। और इसके अग्रबाहु पंख में परिवर्तित हो गए हैं जो देखने में झिल्ली के समान लगते हैं। त्वचा की ये झिल्ली गर्दन से लेकर हाथ की उंगलियों तथा शरीर के पार्श्व भाग से होती हुई पूंछ तक जाती है और पंख का निर्माण करती है। यानी कि जो इसका पंख है वो वास्तव में पहले क्या था? पहले वो आप समझ सकते हैं कि वो पैर हुआ करता था है ना, और अग्रबाहु था, हाथ था। हाथ पैर क्या, उसको हाथ कहिए, मतलब चौपाया नहीं, उसको हाथ कहिए आगे का। और जो वो अग्रबाहु था वो पंख में परिवर्तित हो गया, ये बात है। सील या जो फोका होता है ये एक स्तनपायी मैमेलिया है जो गण कार्निवोरा के अंतर्गत आता है। सील के बारे में बात हो रही है, और एक जलीय चुस्त एवं शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है जो मांसाहारी होता है, और शिकार करने के लिए इसमें नुकीले कैनाइन दांत पाए जाते हैं तथा तैरने के लिए इसमें चप्पू और फ्लिपर्स उपस्थित होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान दीजिए कि जिसको, जिस जीव को जैसी ज़रूरत होती है उसके अंतर्गत वैसे ही अंगों का विकास हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अब किसको, जैसे हम लोगों की पूंछ के बारे में बात है कि पहले हम लोगों की पूंछ गोपी कुछ संरचना पाई जाती थी, अब नहीं पाई जाती क्योंकि उसका उपयोग हमारे पास नहीं था, कोई उपयोग नहीं था। इसलिए कपि जो है ये प्राणी जगत में हेमिनोइडिया महापरिवार के सदस्य जानवर जातियों को कहा जाता है। तो इसकी दो मुख्य शाखाएं हैं, एक हीन कपि और एक महाकपि। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, छोटे आकार के कप होते हैं जैसे गिब्बन, ये हीन कपि होते हैं, और बड़े आकार के मानवनुमा कपि जैसे चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, हम लोग हैं, मनुष्य और ओरंगटान, तो हम लोग भी कपि हैं, महाकपि। और लंगूर कपि वर्ग में नहीं आता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि लंगूर किस वर्ग में आता है, या पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा मानव वर्ग में नहीं आता है, सॉरी वानर वर्ग में नहीं आता है, या वानर वर्ग में आता है, मानव वर्ग में कौन सा नहीं आता है, कपि वर्ग में सॉरी। तो कपि वर्ग में जो है ये नहीं आता है लंगूर, और वानर वर्ग में ये आता है। तो ऐसे प्रश्न बना दिए जाते हैं, कभी कभी बड़े उठपटांग भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। केकड़े का देखिए यहाँ पे कुछ का वर्ग दिया हुआ है, तो ये मालाकोस्ट राका है, और बरूथी का वर्ग अराकनिडा है, ऐसे बिच्छू का वर्ग एकिनिडा है, और मकड़ी का वर्ग भी एकिनिडा है। केकड़ा और अन्य तीनों जीवों के वर्ग यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया होगा, तो उस हिसाब से व्याख्या दी हुई है। जुगनू या खद्योत कीड़ों का एक परिवार है, कीटों का एक परिवार है, इसमें पंख होते हैं और ये दीप्त उत्पन्न करके सभी अंगों को आकृष्ट करते हैं, या दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, उजाला करते हैं ना जुगनू। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि जुगनू की चमक जो होती है वो ल्यूस फेरस नामक एंजाइम के कारण होती है। तो ल्यूस फेरस नामक एंजाइम के कारण जुगनू की चमक होती है, आपको ध्यान में रखना है। मटर जो पौधा है ये शाक है और द्विबीजपत्रीय है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे लौंग जो है ये एक बंद कली होती है, सूखी सूखा हुआ फूल होता है, जो लौंग होता है वो सूखा हुआ फूल होता है। केसर एक मसाला है, ये सूखा मिश्रण फूल के बीच बनाने वाले भागों का ये होता है, ऐसा भी इससे प्रश्न पूछा गया है। और कभी कभी पूछा जाता है ये वर्तिकाग्र के रूप में पाया जाता है ना। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य है? तो हम बात कर ही चुके हैं, प्रकंद या तना। कार्क जिस पेड़ से प्राप्त होता है? तो क्वार्कस पेड़ होता है ये। कार्क ओक नामक वृक्ष की छाल यानी बार्क से प्राप्त हो किया जाता है।
जिसका वास्तविक नाम क्वार्कस सवर सुबर या सवर सुबर इसको पढ़ेंगे होता है। लहसुन की गंध का कारण क्या होता है? तो ये सल्फर यौगिक होता है, सल्फर यौगिक। प्याज सरसों तेल में सल्फर कंपाउंड पाया जाता है और यही इसके गंध का कारण होता है। प्याजों के छिलके उतारने पर जो आंसू आते हैं, ये प्रश्न पूछा गया अभी जल्दी में, ये सल्फेनिक अम्ल के कारण होते हैं। इसके कारण सल्फोनिक नहीं, सल्फेनिक, ध्यान रखिएगा। ऐसे ये लाल मिर्च तीखी होती है तो ये कैप्सेसिन के कारण होती है, कैप्सेसिन। रेशम का कीट जो पनपता है वो शहतूत की पत्तियों में पनपता है। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, वह आवृतबीजी पादप से प्राप्त होती है, आवृतबीजी पादप के छाल से प्राप्त होती है। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है, तो ये लैग्यूम मूल ग्रंथियों में लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। थोड़ी सी बातें और कर लें हम। जैसे भिंडी होता है, तो भिंडी का पौधा एक पुष्पीय पादप है जिसका वास्तविक नाम एबेलोमोगस एस्क्यूलिनट्स है ना। और इसका जो फल कैप्सूल प्रकार का होता है जिसमें बीजों की संख्या अधिक होती है, और इस फल का संपूर्ण भाग खाया जाता है। अन्य विकल्पों में जैसे यहाँ पर कोई प्रश्न दिया होगा उसकी व्याख्या है, खैर छोड़िए उसको। प्याज काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम निष्कासित होता है। सिंथेज एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फॉक्साइड एमिनो अम्ल को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। तो ये ध्यान रखिएगा, सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। और अस्थायी सल्फेनिक अम्ल अपने को पुनः व्यवस्थित कर सिनप्रो पैरेंथियल एस ऑक्साइड का निर्माण करता है, जो आँख में आंसू उत्पन्न करता है। इतना आपको नहीं ध्यान रखना है, आपको बस सल्फेनिक अम्ल ध्यान में रखना है, या सल्फॉक्साइड करके प्रश्न बनाया जाएगा। करने का मतलब आपसे बहुत विशेषज्ञता की जो मांग नहीं की जाती है कि आप बहुत विशेषज्ञतापूर्ण आंसर दें, बस रिलेटेड चीज़ों को आप अगर जानते हैं तो आंसर दे लेंगे। तो ये दूसरा पार्ट हो गया, अब जल्दी हम तीसरे पार्ट के साथ आपसे मिलेंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।